यहाँ पे देख सकते हो कि बहुत ही बड़ी मूर्ति है ये, देखिए गाइस इनका जो प्रवाल है ना गाइस शंकर भगवान का है। और तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो अभी हम माछीपुरा शहरी नंबर एक में आए और ये देखिए पहले तो इनका जो स्केच, देखिए स्केच देख लिया ना, के सुधर जाओ वरना गुजर जाओ, ठीक है, नहीं तो योगी मॉडल यहाँ भी लागू हो जाएगा सूरत में, ठीक है। हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम आए गोलवाड़ की सारी मूर्ति कैप्चर करने। तो गाइस यहाँ पर मेरे को बिल्कुल भी अनुभव नहीं है क्योंकि यहाँ पर बहुत ही मूर्ति है गाइस, बड़े से बड़ी मूर्ति है और छोटी से छोटी भी मूर्ति है। अभी गाइस मैं आ गया हूँ मंडर वाले से पूछते, ठीक है, तो बोला गया तो ये मंडल का तो पहले नाम बताइए सर क्या है। श्री सिकोदर बाल युवक मंडल। गाइस आप ये देख सकते हो श्री सिकोदर बाल युवक मंडल है और वो पीछे दिख रहे ना वो मेरे फ्रेंड है, तो बहुत ही मस्त फ्रेंड है और बहुत ही मेरे को सपोर्ट करते हैं। और उनकी आप पीछे मूर्ति आप देख सकते हो ना, ये सर कितने फीट की होगी मूर्ति? 22 फुट की मूर्ति। अच्छा 22 फुट की मूर्ति है और वो स्वरूप है वो गरुड़ का स्वरूप है और बप्पा ने मतलब गरुड़ ने ना सांप पर बप्पा को पकड़ा हुआ है। और ये जो साल है वो कितना हुआ साल है आपका? अपना ये 54। अच्छा 54वां ईयर है गाइस। ऐसे ही भव्य भव्य इन लोग मूर्ति ला दे, आप देख सकते हो कितनी बड़ी मूर्ति है। अभी आगे जाके मैं शूट करूंगा और ये जितने भी मंडल वाले ना गाइस, जिसने भी मेरा आगमन वाला मैं प्रॉपर मतलब इनका जो प्रोफेशनल शूट किया है आगमन वाला, अभी अंदर जाता हूँ और पूरी ब्लॉग शूट कर आपको दिखाता हूँ। बोलो गणपति बाप्पा मंगलमूर्ति जय श्री राम। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग जा रहे हैं अभी ये वाली बाजू की गली में, ठीक है, जैसे मुंबई में खेतवाड़ी वैसे सूरत में गोलवाड़ी मतलब गोलवाड़ गाइस। यहाँ से गाइस आप देख सकते हो ना जस्ट पीछे ही और एक बड़ी मूर्ति आएगी, अभी यहाँ पर मैं शूट करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो लिमडी शेरी चा एक जय जलाराम युवक मंडल है, इनकी मैं आपको मूर्ति दिखाता हूँ गाइस, खाली आप देखना बहुत ही मजा आएगा। ये देखिए और जिन्होंने भी आगमन वाली वीडियो नहीं देखी होगी वो प्लीज जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है जाके आप देख लीजिएगा। आगमन में तो बहुत ही मजा आई थी क्योंकि ग्रुप वाले के साथ मैंने बहुत ही मजा की थी, वो अच्छा लगा था। गणपति बाप्पा। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं जलाराम युवक मंडल लिमडी शेरी नंबर एक। तो यहाँ पर बोलो गणपति बाप्पा मोरिया, गणपति बाप्पा मोरिया। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हो कि यहाँ पर कुछ सूचना दी है, क्या है थोड़ा सर बताइए? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये सब सामाजिक कार्य के लिए सब मैसेज है सब। अच्छा, लोगों के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सामाजिक कार्य के यहाँ पर मैसेज है, ठीक है। और कोई असर नहीं करने का ऐसा। अच्छा तो यहाँ पर पूरा एक आप देख सकते हो यहाँ पर मैसेज के द्वारा समझाया गया है कि बेटियां बचाओ और बेटियां पढ़ाओ, पर हमको इस बार बेटियां बचानी भी है और बेटियां पढ़ानी भी है और बेटियों को साथ साथ कराटे भी सिखाना है, क्योंकि सुधर जाओ वरना गुजर जाओ, ठीक है, नहीं तो योगी मॉडल यहाँ भी लागू हो जाएगा सूरत में, ठीक है। तो आप और क्या थोड़ा सा संदेश देना चाहते हो? संदेश तो यही है कि और हिंदू और मुस्लिम सब भाईचारे से सब पसंद त्योहार मनाने का चाहिए, ऐसा कुछ करने का नहीं, तो और भाईचारे से सब फेस्टिवल हम लोग एंजॉय कर सके। गणपति बाप्पा मोरिया मंगलमूर्ति मोरिया श्रीराम जय जय श्रीराम उन्हीं बाबा की जय। दोस्तों आप जैसे देख सकते हो राजा महाराणा बाल युवक मंडल में आ गए लिमडी शेरी एक, अभी अंदर चल के क्या सीन है वो देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर गाइस अभी भीड़ होने लगेगी धीरे धीरे, ये देखिए गाइस भाई साहब इन लोग ने इस बार है ना गाइस ये फूल का डेकोरेशन किया पूरा आवाज के साथ एक नंबर लग रहे हैं। और ये महाराणा प्रताप ये भाई और इनकी जो मूर्ति है ना गाइस बहुत ही औसम लग रही है, ये देखिए भाई और ये भाई इसका थोड़ा बहुत डेकोरेशन ही है यहाँ पर, ये देखो
बहुत ही मस्त है यार मौसम, ये तो आए अभी बच्चे लोग देखने के लिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो बप्पा है ना इनके मंडल वाले तरफ से, ये आपका सर का नाम क्या है? जितेश राणा। अच्छा जितेश राणा सर, मतलब कब से मूर्ति स्थापना की है? 2001 से। 2001 से मूर्ति स्थापना की है और ऐसी भव्य मूर्ति लाते हो ना? हाँ। और इस बार कौन सा कॉन्सेप्ट रखा है आपने? इस साल हॉरर का है ये। लगभग हम 20 साल पहले से कर रहे थे, 20 में थोड़ा हुआ था इसके लिए बंद कर दिया था, आज से 20 साल पहले से ही कर रहे हैं हम लोग। अच्छा तो अभी कुछ शो दिखाए हुए? अभी जो है वो गुजराती मूवी आई है। अच्छा। जिसका नाम जंगपुरी है। अच्छा जंगपुरी, उसके ऊपर थीम बनाई हुई है। अच्छा। थीम। अच्छा तो आप अभी देख सकते हो कि अभी शो चालू करेंगे तो थोड़ा शूट करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है? तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो अभी लाइट बंद हो चुका है, अभी शो चालू होगा, हॉरर शो। गिरी थी भाई, ओ भाई ये देखे। अरे बाप रे, अरे ये देखिए भाई क्या बात, एक नंबर। ये चमकुड़ी फिल्म है ना, उसके थीम से ये रखा गया है, ये देखिए यहाँ पर। तो दोस्तों आपने जैसे कि शो देखा ना गाइस, बहुत मजा आया, और यहाँ पे बच्चे लोग थे ना ये थोड़े से डर रहे थे और उनको भी बहुत ही मजा आया, ठीक है? और जो इनका थीम था ना वो चमकुड़ी वाला था, और यहाँ पर आप देख सकते हो ये बंदा ने सबको डराया और बहुत ही खतरनाक लग रहे भाई। एक बार बोल दो जय श्री राम। तो मस्त लगा आपका शो देखकर, बहुत ही अच्छा लगा। और जो बप्पा महाराणा प्रताप के जो स्वरूप में लाए वो भी मस्त है, ठीक है? बहुत ही अच्छा लगा। बोलो गणपति बप्पा मंगल मूर्ति उन्दीर मामा की। तो दोस्तों आप जैसे ही वो मूर्ति भूत वाली देखकर आओगे ना, वैसे ही आपको एक पंडाल और नजर आएगा यहाँ पर, ठीक है? और ये देखिए यहाँ पर इनका स्टॉल है, और ये देखिए हमारे शंकर भगवान जी ने कार्तिक के बाजू में, और गणपति बप्पा चूहे पर है, और ये पूजा मूर्ति बहुत ही अच्छा लगा देख। तो दोस्तों वो गणपति देखकर ये सामने ही आपको ये दिखेगा, ठीक है? यहाँ पर है ना गाइस, और शायद शंकर भगवान ने हाँ ऐसा लग रहा है मेरे को, शंकर भगवान ने गिने और पार्वती माता जी का हाथ है आजू बाजू, और अपने पप्पा झूलते हुए अभी आगे जाके मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है? दोस्तों जैसे आप यहाँ से निकलते हो ना, ये बाजू में और एक बड़ा मंडप है, और अभी अंदर लेके चलता हूँ आपको, ऐसा क्या सीन रहेगा अभी आपको पता चलेगा, ठीक है? अभी आप चलते हैं कि यहाँ पर कौन सी मूर्ति होगी, ठीक है? जबरदस्त मूर्ति है यहाँ पर हमारे राम जी के अवतार में, वहाँ देख सकते हो लक्ष्मण, वहाँ सीता जी, और हमारे प्यारे सबसे हनुमान जी वहाँ ऊपर। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो 1, 2, 3 बप्पा है यहाँ पर शेरी नंबर 3 में, तो आप तीनों बप्पा एक्सप्लोर करिएगा,
देखिए उनका भव्य स्वरूप है, बहुत ही अच्छा लग रहा है मेरे को। और तो यहाँ पर अभी अंदर जा रहे हैं और शेरी का नाम तो नहीं पता गाइस, बट देख सकते हैं अभी कौन से बप्पा दिखेंगे। वाओ यहाँ पर देखिए, वहाँ पर जो इनका प्रवाह है ना गाइस, शायद वो मुझे द्वारिका नहीं, शायद है कोई कृष्ण भगवान है, ठाकुर जी महाराज जैसे दिख रहे। और कृष्ण जी को तो तुमने बप्पा लिया ही है, और बहुत ही प्यारी मूर्ति है यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपको श्री कृष्ण जी के दर्शन भी हो जाएंगे। ये देखिए गाइस कितने बड़े श्री कृष्ण जी है, और जो इनका भव्य जो कपड़े देख रहे हो गाइस बहुत ही अच्छे है। और यहाँ पर अम्ब्रेला कलरिंग में, और बप्पा का जो पांडना है गाइस ये देखिए ऐसे ऐसे घूम रहा है, और शायद ये भाई छोटे से श्री कृष्ण जी को अच्छे से घुमा रहे, मस्त लगा मतलब गली गली। ठीक है यहाँ पर आप देख सकते हो ना, गली गली में पप्पा जी बिठाए हैं यहाँ पर, और अभी अंदर चलते हैं। ठीक है यहाँ पर तीन पप्पा है, एक दो और बाहर तीन है। ठीक है ये देखिए गाइस, और आज हमारे साथ आ गए भाई दिलेश भाई, और इनका है ना एक न्यूज चैनल है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, क्या एक बार थोड़ा बता देना। काई सेवन न्यूज चैनल है, अपने इंस्टाग्राम पे भी है। अच्छा तो फॉलो कर सकते हो। अच्छा तो दिवेश भाई ये मतलब चैनल को एक्सेस करते हैं, और काई न्यूज, काई सेवन न्यूज चैनल, हाँ काई सेवन न्यूज चैनल है। ठीक है तो इनके इंस्टाग्राम की आईडी भी दे दूंगा, मेंशन कर दूंगा, तो आप जाके इनको फॉलो कर दीजिए। ठीक है चलो अभी नाश्ता करेंगे। हाँ भाई नाश्ता भूख लगाई। तो गाइस अभी हम आ गए वचली शेरी दो में, यहाँ पर आप देख सकते हो बिगेस्ट पप्पा बैठे हो गए, और यहाँ पर भी देख सकते हो कि एक ही शेरी में तीन गणपति पप्पा है। तो चलते पहले ये लेते फिर वो लेते। तो यहाँ पे देख सकते हो कि बहुत ही बड़ी मूर्ति है, ये देखिए गाइस इनका जो प्रवाल है ना गाइस शंकर भगवान का है, और यहाँ पर पप्पा जी कैसे मस्त लुक में बैठे है, और ये मंडल वाले थोड़े से लोग हैं, बहुत ही मस्त है गाइस यहाँ पे वाला, बहुत ही अच्छा लगा। और पर्वत पे बैठे हैं, शायद पर्वत की किला है ना वहाँ पर गणपति पप्पा बैठे हनुमान के रूप में, हनुमान के स्वरूप में पप्पा, अच्छा लगा। अभी आपको देखने मिलेगा देख सकते हो ठाकुर जी के रूप में पप्पा है यार। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो अभी हम माछीपुरा शेरी नंबर एक में आए, और ये देखिए पहले तो इनका जो स्केच देख लिया ना, अभी देखिए पप्पा जी देखिए गाइस बहुत ही औसम थी मूर्ति यहाँ पर, जबरदस्त। एक हाथ में गदा है, एक हाथ में बाण है, एक हाथ में त्रिशूल है, माछीपुरा का राजा। और यहाँ पर पूजा मूर्ति यहाँ पर, अभी हम आ चुके हैं माछीपुरा शेरी नंबर एक के राजा को देखने। तो गाइस ये देखिए कितनी बड़ी मूर्ति है यहाँ पर, और ये मंडल के लोग है, तो आपके मंडल का नाम बताइए सर क्या है। महाप्रताप योग मंडल। महाप्रताप योग मंडल की गाइस मूर्ति देख सकते हो, बहुत ही बड़ी है, और किस स्वरूप में है। शिव जी के रूप में है। तो शिव जी के रूप में, और ये प्रथमेश आर्ट में बनी है ना। हाँ सुना में। ठीक है ये कितने फीट की हो सकती है। ये 20 फीट की मूर्ति है। तो 20 फीट की मूर्ति है, और यहाँ पर जो कान्हा जी का पूजा हो रहा था, कान्हा जी के पूजा हो रहा था, और पप्पा को आप हार कैसे पहनाते हो। हार ऊपर चढ़ के पहनाते हैं पीछे जाके, तो थोड़ा टाइम लगता होगा। और पूजा की भी मूर्ति है इन लोग की, तो वहाँ पर पहले
छोटे भगवान की पूजा करके फिर बड़े भगवान की पापा की पूजा करते, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही मतलब मस्त ऐसा लगता है ना गाइस, दिल को छूने वाली बात वो बप्पा में आ रही है, ऐसा लग रहा है बप्पा बोल उठने को करेंगे। ठीक है, मंगल मूर्ति जय श्री राम, जय श्री राम, नमो पार्वती। बोलो गणपति बप्पा। चलो तो दोस्तों, आप जैसे कि देख सकते हो माछीपुर एक नंबर का राजा को देख कर आओगे ना, उसके सामने और नरसिम्हा के स्वरूप में मूर्ति है, और ये कौन सा मंडल है, श्री गणेश युवक मंडल की यहाँ पर अभी मूर्ति दिखाता हूँ। नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते, यहाँ पर गणती होते रहता है, और सूरत में गए गणपति एक्सप्लोर करने आओ तो नाइट को यही है। तो यहाँ पे देख सकते हो कितनी बड़ी मूर्ति है गाइस, और ये इसकी भी मैकिंग मैंने दिखाई है प्रथमेश आर्ट पे, तो ठीक है मैकिंग वाली जिसने वीडियो नहीं देखी होगी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लेना गाइस, प्रथमेश आर्ट में ये मूर्ति बनी है, और ये बहुत ही बिगेस्ट मूर्ति है। यहाँ पर देखो पृथ्वी पर पप्पा जी बैठे हैं, आप यहाँ देख सकते हो हनुमान टेकड़ी का राजा, यहाँ पर देख सकते हो ये यहाँ पर मंडल वाले हो गए, और ये भाई भी असम गणपति बप्पा लग रहे। दोस्तों गोलवार की सारी मूर्ति कैप्चर करके मैंने दिखा दिए, जो भी मेरे से मूर्ति छुट्टी होगी ब्लॉग में, ठीक है तो उसके लिए मैं सॉरी मांगना चाहता हूँ। आप यहाँ से गोलवार में आओगे ना गाइस, यहाँ से शुरुआत करो, स्टार्टिंग यहाँ से, तो यहाँ से भव्य भव्य मूर्ति आपको गली गली में से देखने मिलेगी, ठीक है। और मैं अभी भी बोल रहा हूँ, जो भी मेरे से मूर्ति छुट्टी होगी उसके लिए मैं सॉरी मांगना चाहता हूँ। यहाँ छोटी से लेके बड़ी बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियाँ हैं, ठीक है, जैसे मुंबई में खेतवाड़ी है ना, वैसे सूरत में गोलवाड़ी है, मतलब गोलवाड़, ठीक है, ये प्रसिद्ध है यहाँ, मतलब बहुत सालों से मूर्तियाँ ऐसे बड़ी बड़ी बिठाते हैं, ठीक है, मतलब गोलवाड़ सबको पता है, सूरत में बड़ी मूर्तियाँ देखने हैं तो गोलवाड़ में रहो, ठीक है। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आई होगी, ब्लॉग पसंद आए तो ब्लॉग को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और कमेंट सेक्शन में जय श्री राम लिखना ना भूलिए, ठीक है। आपका और अपना फैमिली का ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अलविदा।